दोस्तों 12 मार्च को इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में IQ अपने Z7 5G Z9 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। यहां पर काफी सारे स्मार्टफोन इस हफ्ते हमें देखने को मिले हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। इनफैक्ट जिस बजट में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उस बजट में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं। अब यहां पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं IQ Z9 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि स्मार्टफोन के लॉन्च होने से पहले ही निकल करके आ चुकी है। साथ में यहां पर इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल प्राइस के भी बारे में बात करूंगा, जो कि लीक होकर क्या आई है स्मार्टफोन के लॉन्च होने से पहले। और आपको यह बताऊंगा कि अगर यह स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आता है तो आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। IQ Z9 5G जो स्मार्टफोन है वो यहां पर काफी अच्छी डिजाइन के साथ में लॉन्च होने वाला है। आप स्क्रीन पर ये लाइव इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग के बाद आई हुई इमेज को देख सकते हैं। ये इस स्मार्टफोन का इंडियन वेरिएंट है। इसमें आपको दो कलर में देखने को मिलते हैं, एक हल्का ग्रीनिश और एक हल्का ब्लैक कलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। स्मार्टफोन में अगर बात करें ग्रीन कलर वेरिएंट के बारे में तो इसमें पीछे की साइड आपको एक अच्छी डिजाइनिंग दी गई है, जिससे जब इसे स्मार्टफोन के बैक पैनल पे कलर लाइट पड़ती है तो एक अलग सा टेक्सचर आपको फील होता है, लेकिन वाकई में वो ऐसा है नहीं। वैसे डिजाइनिंग इसे स्मार्टफोन दी गई है जो कि काफी अच्छी बात है। अगर बात कर लें स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, IQ Z9 5G जो स्मार्टफोन है 6.6 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में लॉन्च होने वाला है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट यहां पर दी गई है। स्मार्टफोन जो है वो आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है, और यहां पर जो पंचोल की पोजिशनिंग है वो काफी छोटी दी गई है, जिससे स्मार्टफोन फ्रंट के साइड से काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। साथ में जो स्मार्टफोन में बेजल्स हैं वो काफी थिन दिए गए हैं, जिससे स्मार्टफोन और भी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है फ्रंट के साइड से। अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, अगर आप गेमिंग करते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं तो इस बजट में काफी अच्छा प्रोसेसर IQ जो है वो लेकर के आ रहा है। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा पीछे की साइड दिया गया है, जिसमें सोनी का IMX882 सेंसर देखने को मिल जाएगा। और IQ कह रहा है कि जिस बजट में हम इसे स्मार्टफोन को लॉन्च करना है उसे पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि इस सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा, और इससे जो इमेज क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और यहां पर IQ जो है कैमरे पे काफी अच्छा काम कर रहा है आजकल अपने स्मार्टफोन्स में, ये बात तो मैं कहूंगा, मैंने पर्सनली फील किया है। साथ ही साथ यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको OIS बेस्ड जो रियर कैमरा है वो देखने को मिलने वाला है। 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा यहां पर आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगा, यानी डुअल रियर कैमरे का सेटअप यहां पर दिया गया है। स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, फ्रंट के साइड में भी सेंटर पंचोल डिस्प्ले डिजाइन। 5000mAh की बैटरी होने वाली है स्मार्टफोन में। 44W का चार्जर होगा, जिससे स्मार्टफोन काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा। एंड्रॉइड 14 पे ये जो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च होने वाला है, जो कि फंटच OS 14 पे बेस्ड होगा। साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें स्मार्टफोन की और भी डिटेल्स के बारे में तो इस स्मार्टफोन को ओवरऑल IQ ने काफी अच्छा बनाया हुआ है, और नीचे के साइड में आपको USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल्स, ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है जो कि स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग के बाद में निकल करके आई है। बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस क्या होने वाले। तो ये स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियली एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाला है Amazon पे। Amazon पे इस स्मार्टफोन को ऑलरेडी IQ ने लिस्ट करा दिया है। बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, तो ऑफिशियल जो डिटेल्स है वो तो अभी तक IQ ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यहां पर जो भी लीक के हिसाब से जो प्राइसेस निकल कर क्या रही हैं, उससे कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है वो 19,999 रुपीस की प्राइस पॉइंट पर इंडिया में स्टार्ट होने वाला है, और इसमें फर्स्ट फ्लैश सेल के लिए कुछ ऑफर भी इंक्लूड होगा 1,000-1,500 रुपए का, जिसको अगर हम लगाते हैं तो स्मार्टफोन और भी सस्ता यानी 18-19,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है, देखते हैं कि आखिर IQ इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इस लीक्ड प्राइसिंग के बारे में, अगर स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर आता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे? यार मेरे हिसाब से अगर यह स्मार्टफोन 18-19,000 रुपए की रेंज में आता है तो स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेस्ट होगा, और यहां पर IQ ने इस स्मार्टफोन पे काफी अच्छा काम किया। इनफैक्ट डायमेंसिटी 7050 है, तो काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो ये पूरी डिटेल है, अब देखना होगा कि 12 मार्च को इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल प्राइस क्या निकल करके आती है, और एक्चुअली में ये जो स्मार्टफोन है वो कितना यूजर्स को सेटिस्फाई कर पाता है। अब फिलहाल दोस्तों ये थी डिटेल, आपका क्या ओपिनियन है सभी चीजों के बारे में, प्राइस के बारे में, आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हमें जरूर से आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।